आप देख रहे हैं डा क्रेजी मैन न्यूज चैनल। हौसला सच दिखलाने का, सच तो दिखला कर रहेगा। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद ठाकुरद्वारा तहसील नगर में मुस्लिम इंटर कॉलेज के संरक्षक कौमी आज़ादी का जश्न मनाते, आज़ादी का झंडा फहराते, स्वतंत्रता दिवस की एक दूसरे को हार्दिक शुभकामनाएं देश के लिए संदेश, देश के लिए हिदायत करते समझाते हाजी मुख्तार सैफी जी। आप सुनिएगा क्रेजी मैन न्यूज़ चैनल, देखते रहें क्रेजी मैन न्यूज़ चैनल। हौसला सच दिखलाने का, सच तो दिखला कर रहेगा। दूसरी ओर पूर्व चेयरमैन हाजी रफीक साहब ने आज़ादी का जश्न मनाते हुए, आज़ादी की बधाई देते हुए, आज़ादी झूठी मिलने पर दुख व्यक्त करते हुए बताया मोहम्मद समाज को दी हिदायत, हमें एक दूसरे पर भाईचारा एकता बनाए रखना चाहेंगे। हाँ, सब कुछ आज़ादी की मुबारकबाद, और सब मिलजुल के रहे, नफरत ना फैलाए, भ्रष्टाचार मुक्त देश बनना चाहिए। अच्छा सर, आज आपको कैसा लग रहा है स्वतंत्रता दिवस? देखिए, हमारा देश आज़ाद हुआ, आज 70 वर्ष हो गए, लेकिन देश आज़ाद तो हुआ है, लेकिन शायद देश झूठा आज़ाद हुआ। क्या सच में आज़ाद हो पाएगा? हो पाएगा जब भाईचारा बढ़ेगा, ये नफरत की राजनीति खत्म होगी, तो सब बढ़िया रहेगा। देखिए, सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस पर, यौम आज़ादी पर सब लोगों को मुबारकबाद ही देना चाहते हैं और यकजहती का पैगाम देते हैं। और ख़ास तौर से हम चाहते हैं कि जो हमारे बुज़ुर्गों ने, मुजाहिदीन, आज़ादी ने, इनकलाबियों ने जो कुर्बानी दी है, उसका तस्करा हो, उसको याद किया जाए और इसे जश्न आज़ादी को यादगार बनाया जाए उनकी कुर्बानियों का। जनता के लिए संदेश देना चाहते हैं? जनता अपने जो ये हमें, हमारे बुज़ुर्गों ने आज़ादी दी है, इसको बरकरार रखे। लेकिन एक इस मौके पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारी बुज़ुर्गों की कुर्बानियों से, शहादतों से ये देश आज़ाद तो ज़रूर हो गया। अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ, लेकिन अंग्रेजियत से आज़ाद नहीं हुआ। ग़ुलामी से आज़ाद हुआ है, लेकिन जहालत से आज़ाद नहीं हुआ, गरीबी से आज़ाद नहीं हुआ, बेरोज़गारी से आज़ाद नहीं हुआ, भ्रष्टाचार की जंजीरों में और जकड़ गया है। हमें भ्रष्टाचार से आज़ाद होने की ज़रूरत थी, लेकिन वो नहीं हो पाया है। सबसे बड़ा पैगाम यही है जनता के लिए कि हमें आज़ादी को 77 साल हो गए, लेकिन जो सपना, जो ख्वाब देखे गए थे, वो अभी पूरे नहीं हुए। सर, क्या ये ख्वाब पूरे हो पाएंगे? हाँ, बिल्कुल पूरे हो सकते हैं। जनता जागरूक हो, जनता को ज़्यादा से ज़्यादा तालीम याफ्ता किया जाए, तालीम दिलाया जाए, उनके लिए मौके दिए जाएँ, और ये जो गंदी राजनीति है, जो बांटने की, नफरत की राजनीति है, इस पर रोक लगे। लोगों को नफरत की फैलाई जा रही है, नफरत की फसलें बोई जा रही हैं, और नफरत को एक सत्ता हथियाने का हथियार बना लिया गया है, सत्ता पे काबिज होने का, और लोगों को नफरत का बम बना दिया गया है। मोहब्बतों की ज़रूरत है, अगर आप मोहब्बत नहीं फैला सकते तो हम तो यही चाहेंगे कि नफरतें फैलाना बंद कर दो। अच्छा सर, छोटा सा एक प्रश्न है कि इंसानियत और मानवता, कहते हैं कि इंसानियत और मानवता भी जिंदा, इंसानियत और मानवता क्या जिंदा है, इसकी माँ जिंदा है? इंसानियत मुकम्मल तौर से कभी नहीं मरी, जब से दुनिया बनी है और जब तक जब दुनिया का आखिर होगा, इंसानियत बाकी रहेगी। लेकिन जो गैर इंसानी हरकतें हो रही हैं, वो भी सबके सामने है, और इंसान को उन चीज़ों का मुकाबला करना है। आज जुल्म हो रहे, ज़्यादतियाँ हो रही हैं, एक तबके को सताया जा रहा है, उनकी इबादत गाहों पर हमले हो रहे हैं, उनके इमामों को मारा जा रहा है, राम के नाम पर गलत प्रचार किए जा रहे हैं, तो ये सब है, ये गैर इंसानी हरकतें हैं। और जो लोग इस माहौल को अच्छा बनाने की कोशिश में लगे, ये इंसानी हरकतें हैं, ये इंसानियत है। हाँ, बिल्कुल यकीन रखना चाहिए, उम्मीद पूरी रखनी चाहिए, आएगा, हम सब लोग कोशिश करें। चलिए, 76वें स्वतंत्रता दिवस पर और आप क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? भाई यही कि मोहब्बत का संदेश देना चाहते हैं हम लोग, अमन अमान बनाए रखें अपने देश में, जहाँ भी गलत लोग हैं उनका मुकाबला करें, और उस बात को पहचानें कि आखिर इसके पीछे साजिश क्या है। ये षड्यंत्र है, ये किसी भी धर्म का प्रचार नहीं है, लेकिन धर्म के नाम पर जो नफरत फैलाई जा रही है, इसे रोका जाना चाहिए।